ओम शांति। आप सबका स्वागत है आज 4 सितंबर के ईश्वर वरदान में, जहां परमात्मा पिता चाहते हैं कि हम एक फरिश्ते से समझ जाएं। फरिश्ता, फर्श रिश्ता, किसी से रिश्ता ना जोड़ने वाला। किस प्रकार का रिश्ता? हर किसी के मददगार होना, ये भी एक रिश्ता होता है, लेकिन किसी से मदद मिले या सहयोग मिले या कुछ प्राप्ति हो या कुछ धन मिले या नामांचान मिले, वो रिश्ते से रिश्ते बनाने वाला नहीं। तो जो इंसान आपकी लाइफ में आता है, कभी कभी आप कहते हैं ना, तो ये जैसे कि एक फरिश्ते जैसे आ गया, आप एक एंजल बन के आ गया मेरी लाइफ में, कि आपने मुझे मदद करी लेकिन आपने इसके रिटर्न में कुछ मांगा ही नहीं मुझसे। और आप अगर उनकी मदद करने जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, बस आप ठीक रहिए ना, आप आगे बढ़िए ना, आपकी सेहत ठीक रहे ना, आपका धन ठीक रहे ना, आप बस आगे बढ़ो, तो ये हो गया फरिश्ता। लेकिन जिसको कुछ चाहिए होता है रिटर्न में, वो फरिश्ता नहीं है। ये एक पहचान है, देखें हम कितने अच्छे फरिश्ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, लगाव से सूक्ष्म धागों को, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले। फरिश्ता हमेशा उड़ता रहता है। अगर फरिश्ते की टांगों में कुछ हैवी बांध दो, ये चाहिए वो चाहिए, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मेरे से क्यों नहीं मांगा, मुझे क्यों नहीं दिया, मेरा नाम आना चाहिए था, तो वो फरिश्ता फरिश्ता नहीं, वो भारी होकर के धरती पर गिर पड़ेगा। तो लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भवा। विस्तार में चलते हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। पुरानी दुनिया मतलब कि आज सारी दुनिया रंगी चंगी दुनिया है, ये चाहिए वो चाहिए, ये मिल जाए वो मिल जाए, हर चीज बहुत जल्दी अपना रूप चेंज कर रहा है, और हर इंसान के जो इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती है। डिजायरलेसनेस नहीं है आज, डिजायरफुलनेस है आज। इंसान की इच्छाएं पूरी कभी होती नहीं है, और पूरी ही इच्छाएं हैं। तो परमात्मा कहते हैं, तो सूक्ष्म रीति से चेक करो, बहुत ही महीनता से चेक करना है अपने आप को। ये हम मेडिटेशन में करते हैं, चेक चेक करते हैं अपने आप को, कोई अंदर सूक्ष्म धागा तो नहीं है, किसी से कुछ इच्छा तो नहीं है, किसी से कुछ मांगना तो नहीं है, किसी कोई कोई भी छोटी सी इच्छा तो नहीं है, क्योंकि वो फिर हमारी ऊर्जा वहां जा रही है, हमारी ऊर्जा परमात्मा से कनेक्ट होने में लग रही नहीं है, वो ऊर्जा वहां वेस्ट हो जा रही है, क्योंकि परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए बहुत प्योर ऊर्जा चाहिए ना। अगर किसी इंसान से इच्छा है तो वो प्योर ऊर्जा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, साथी हो, संबंधी हो। तो परमात्मा कहते हैं, सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है। अब किसी की कोई सेवा करने की इच्छा है, लेकिन वो सेवा की इच्छा इतनी ज्यादा है कि वो हर किसी से लड़ पड़े, हर किसी से झगड़ा कर पड़े। परमात्मा कहते हैं कि सेवा की भी इच्छा ना हो। सेवा तो मिलती है जब हमारी स्थिति ऊंची होती है। जब हमारी स्थिति ऊंची कब होगी? जब हमारे अंदर कोई इच्छा ही ना हो, ना नाम की, ना मान की, ना शान की, ना धन, ना संपत्ति की इच्छा हो, तब जाकर के आपको सेवा मिलती है, क्योंकि तब आप फरिश्ते हो। किसके? भगवान के। अगर आप भगवान के फरिश्ते नहीं हो, अगर आप हल्के नहीं, आपको चाहिए चाहिए चाहिए, तो आप फरिश्ते नहीं हो, तो परमात्मा भी आपको यूज नहीं करेंगे उस कार्य के लिए। फिर परमात्मा कहते हैं, धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है, क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो यह है, तो वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते हैं अच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। इच्छा नहीं खाने की, इच्छा नहीं पहनने की, इच्छा नहीं मिलने की, इच्छा नहीं है खरीदने की, इच्छा नहीं है जाने की, लेकिन अच्छा लगता है। तो एक फरिश्ता जो होगा, उसके लिए किसी को मदद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि उसके लिए अपनी इच्छाएं पूर्ति करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? पहले क्या आएगा आप समझ लीजिए। आपने जो चूज किया उसके हिसाब से आप या तो फरिश्ते हैं या तो नहीं हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, कहीं कहते हैं इच्छा अच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो इच्छा है मोटा धागा, इच्छा है मोटा धागा जो कि आपको बांध के रखता है, आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता, आपको संबंधों से भी अटैच रखता है। संबंधों से जो इंसान अटैच रहता है, वो कभी किसी का हो ही नहीं सकता, कभी किसी की मदद कर ही नहीं सकता। सूक्ष्म धागा अच्छा है, सूक्ष्म धागा अच्छा लगता है, इच्छा है मोटा धागा, और अच्छा लगता है, ये खाना अच्छा लगता है, वो पहनना अच्छा लगता है, ये करना अच्छा लगता है, वो करना अच्छा लगता है, उधर जाना अच्छा लगता है, उससे मिलना अच्छा लगता है, यह है सूक्ष्म धागा। पता भी नहीं चलता हमें कि हम उससे बंधे हुए हैं, हम आगे जीवन में बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। ये जो सूक्ष्म धागे हैं, चीजों से, व्यक्तियों से, स्थानों से, और नामान शान से भी, जो कि दिखता नहीं ना, नामान शान दिखता नहीं है आपको, सूक्ष्म में अंदर है,
और किसी से मिलना, उससे इच्छा होना, किसी चीज़ को खाने की इच्छा होना, किसी को पता नहीं है, कोई तो रीड नहीं कर सकता आपके माइंड को कि आपको क्या चीज़ की इच्छा है क्या नहीं है, लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ में दिखता है। तो परमात्मा कहते हैं इन चीज़ों को आस्ते आस्ते मिटाना शुरू करो ताकि आप मुक्त हो जाओ और आप अपनी सारी ऊर्जाओं को अपने साथ कंसेंट्रेट कर पाओ और मुझसे जुड़ पाओ और अपनी चीज़ों को प्राप्त कर पाओ जो को आपको करनी है। वो चीज़ें क्या हैं? किसी की मदद करना। चीज़ें चीज़ें नहीं, मदद करना भी एक चीज़ है स्थूल दुनिया में, फिजिकल दुनिया में। तो आप भी ये कर सकते हैं, आप भी हल्के हो सकते हैं, क्योंकि फरिश्ता हमेशा हल्का रहता है। आप अगर मन में और बुद्धि में हल्का होना चाहते हैं तो फरिश्ता बने, और फरिश्ता कैसे बनना है वो आप सीखें ब्रह्मा कुमारी में आकर के। अपनी ऊर्जाओं को सेव करें। इसके साथ ओम शांति।